अगर आपके लैपटॉप में बैटरी नहीं दिख रही तो मुझे लगा मेरे में खत्म होने वाली है क्या। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करते हुए एक फेक एपीआई से डेटा लेंगे और उसको शो करेंगे, ठीक है, जो कि इसका एक्चुअल यूज रहता है एपीआई कॉलिंग के लिए। ओके okay? ओके सर, यस सर। तो जेसन प्लेस होल्डर ये एक फेक एपीआई है, प्रोवाइड कराती है, वेब एप्लीकेशन है, ये इसका कोड है। हम यूजर्स का डेटा गेट करते हैं, 10 यूजर्स का स्लैश यूजर्स, एंड हमें डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नेम वगैरह सब दिख रहा है, नेम यस यूजर, सर, ठीक है, तो ये ईमेल। हमारा डेटा जो कि हमें क्या चाहिए, हमारे पेज लोड पे चाहिए हमारे वेबसाइट के ऊपर। फेच, व्हाट इज फेच, ये देख रहे हैं आप, फेच क्या है, फेच ये हमारी रिएक्ट की ऐप है। तो यहाँ पे देखो आपके पास यूजर्स का डेटा आ चुका है, जैसे ही आप पेज लोड करोगे आपको यूजर्स का डेटा मिल जाएगा। ये रहा वो पूरा डेटा, शो हो रहा है, ठीक है। यस सो सर, अभी इतना समझो कि हमने एपीआई कॉल की एक, ठीक है, रही है हमारे लिए डेटा लेके आ रही है एन नंबर ऑफ यूजर्स। अगर हमें इसे शो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल कंटेंट लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसे एक स्टेट के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, एक स्टेट बनाते हैं, किस नेम से बनाते हैं, कॉन्स यूजर्स कॉमा सेट यूजर्स। सेट यूजर्स क्या है, हमारी एक मेथड है अपडेट करने की स्टेट को, यूज स्टेट और ब्लैंक, इनिशियल वैल्यू में हम ब्लैंक दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा क्या होगा, यूज इफेक्ट रन होगा, सो हम इसमें वैल्यू सेट करा देंगे, यूज सॉरी सेट यूजर्स, सिटी यूजर्स। सेट यूजर्स में हमें जेसन स्टोर कराना है, सेट यूजर्स जी सर। ओके नाउ हम अब यहां पे करते हैं, हमारे इंक्रीमेंट में कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं कि क्या हमें डेटा मिल रहा है।
आ गया डेटा हमारे पास जैसे मैंने इंक्रीमेंट किया। अब एवरी टाइम जब भी मैं इंक्रीमेंट करूंगा मुझे मेरे यूजर्स का डेटा मिलेगा। ये देखो यूजर यूजर्स 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 यूजर्स, ठीक है, समझ में आया डिपेंडेंसी एरे क्यों देते हैं? यस सर। अगर आपको आपको ऐसी नीड है या आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आई है कि मैं जब बटन किसी बटन पे क्लिक कर दूं तभी मेरा डेटा शो हो, तो मैं ये मेथड का यूज कर सकता हूं। क्लियर है इतना? यस यस, ठीक है। तो आप मुझे तो अगर डेटा शो करा, हाँ सर, इसमें ऐसा हो रहा है कि जितनी बार हम बटन पर क्लिक कर रहे हैं रिपीट रिपीट डेटा सर। हाँ, जितनी बार आप बटन पर क्लिक करोगे यूज इफेक्ट कॉल होगा, यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई कॉलिंग की है, एपीआई कॉल होगी, डेटा लेके आएगी और वो आपको शो कराएगी। ओके सर। सर, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक बार समझा दीजिए। द यूज इफेक्ट हुक्स अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट्स। ओके, सो यूज इफेक्ट आपको क्या अलाउ करता है साइड इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए? साइड इफेक्ट मतलब अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूं तो मेरा कंपोनेंट अगर रेंडर हो रहा है तो मेरे कुछ टास्क परफॉर्म हो, ठीक है, जब मेरा पेज लोड होता है, ठीक है, एट दैट टाइम अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो मैं यूज इफेक्ट से गेट कर सकता हूँ साइड इफेक्ट की हेल्प से। ओके सर। ओके, ठीक है, अब हमें क्या देखना है, टेबल लेते हैं। सो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप सभी ने यूज कर रखी है? यस सर। यस सर। ओके, सो बूटस्ट्रैप अटैच करेंगे हमारे रिएक्ट के अंदर। सो कैसे सीडीएन अटैच करते हैं ये देखो, बूटस्ट्रैप का सीडीएन हम कहाँ अटैच करते हैं, हमारे इंडेक्स पेज पे, ठीक है, ये हमारा पब्लिक के अंदर जो मेन इंडेक्स पेज है वहां पे जाके हम सीडीएन जस्ट अटैच कर देंगे। सीडीएन सीएसएस के लिए ये, जावास्क्रिप्ट के लिए ये, ओके। अब हमें क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए, सो हम टेबल गेट कर लेंगे बूटस्ट्रैप से। टेबल्स इन टेबल्स जो भी फर्स्ट मिलेगा उसको हम ग्रैब कर लेंगे। कॉपी किया, अब हमें जहां शो कराना है हम वो वाले कंपोनेंट पे चले जाते हैं। ये रहा, शो हो रहा है टेबल? यस सर। यस सर। यस सर। सीएसएस बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गया मेरा? यस सर। यस सर। एरर आ रही है, कुछ क्लास की एरर आ रही है, सो सारे क्लास जहां जहां क्लास लिखा हुआ है ग्रैब करो उसको और उसको क्लास नेम कर दो। एक ही जगह लिखा हुआ है क्लास नेम।
वैलिड डोम प्रॉपर्टी कोल्ड स्पान के लिए, सो सर्च कर लो कोल्ड स्पान कहाँ है, उसको स्नेक के इसमें कन्वर्ट कर दो, ये एरर भी चली जाएगी। चली गई सारी एरर? यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेटा को शो करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट पढ़ रखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, यस सर, की वैल्यू कैसे स्टोर होता है ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा आपका, की और वैल्यू के पेयर्स में, की वैल्यू के और अगर हमें उसको फेच करना हो तो हम कैसे करेंगे? सर की से फेच कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का नेम डॉट की करके डॉट उसकी की डालनी पड़ेगी सर। तो रीच मेथड पढ़ा है मैप? हाँ रीच से कर सकते हैं, मैप पढ़ा है? यस सर थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है, ये मेरा टी आ रहा है, एक ही टी आर लूंगा मैं, मैथ मेथड लगा दूंगा। ओके अब ये हमारा मैप मेथड के अंदर आ गया है। ठीक है, अब आप देखोगे कि उतने टाइम्स हमारा यूजर्स शो होगा जितने हमारे पास यूजर्स रहेंगे। सर ये यूजर्स एंड एंड यूजर, हाँ एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो देखो 9 टाइम्स हमारा टेबल रेंडर हो रहा है एक ही डेटा को लेके, हो रहा है यहाँ पे? यस सर, यस सर। ठीक है, मैप में एक मेथड रहती है इंडेक्स की,
आई थिंक सेकंड पैरामीटर रहता है, ठीक है, ये मेरा यूजर्स है, मैं इसको यूजर ले लेता हूँ, कॉमा इंडेक्स लेता हूँ, देन हम चेक करते हैं क्या मेरा इंडेक्स वर्क कर रहा है। DDX, what is this? Okay, so ये मेरा index work कर रहा है, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है। अभी 0 से इंडेक्स मेरी स्टार्ट होती है, इसलिए मेरी इंडेक्सिंग 0 से हो रही है, इंडेक्स प्लस 1 कर दूंगा, 1 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट हुई, okay, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यूजर से डेटा शो कराना है, ठीक है, ये मेरा चेन नंबर है, ये मेरा पूरा डेटा है जो कि किसके फॉर्म में है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है, एक एरे है उसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट है पूरा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे नेम फैच करना है या यूजर नेम फैच करना है, ये मैं एक डेटा को खोलता हूँ और सारी चीजें यहाँ से चैट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो हम नेम शो कराएंगे, फोन नंबर शो कराएंगे, ईमेल शो कराएंगे एंड वेबसाइट शो करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टी हेड हटाते हैं, हैश यहाँ पे एस नंबर लिखेंगे, एस डॉट नंबर, यहाँ पे नेम लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, देन हमारे पास और क्या क्या है, फोन नंबर है और यूजर नेम है, ठीक है, फोन नंबर, एंड नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन हो गया, वेबसाइट और ले लेते हैं, वेबसाइट, ओके। सो अब जब हमें यूजर मिल रहा है, सो हमें सिर्फ यूजर डॉट क्या करना है, नेम करना है, यूजर डॉट सेकंड पे क्या था, ईमेल था, सो यूजर डॉट ईमेल करना है, यूजर डॉट वेबसाइट, देखो आ गया डेटा, यस सर, लेनग्राम, इरविन होवेल, क्लेमेंटाइन बुच, पैट्रिक लेपसेक, ये सारा डेटा आ रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट आ रहा है वो ये वाला डेटा है, ठीक है, टेबल के अंदर। सेकेंड जो आ रहा है वो ये है, ये नेम मैच करो, इरविन, ईमेल इसका सैन, फोन नंबर इसका ये है, ठीक है, फोन नंबर मिसमैच हो रहा है, देखते हैं, ओके, फोन नंबर के लिए हमने वो नहीं बना रखी है, तो हम फोन नंबर के लिए भी बना देते हैं, यूजर डॉट फोन, रिलोड करते हैं पेज को, ये हमारा पेज रिलोड हुआ और ये पूरा डेटा लेके आ गया। अब ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड बी यूनिक की, तो जब भी आप यूज करोगे मैप का, सो आपको एक की देनी पड़ती है यहाँ पे यूनिक, जिससे आपका इटरेशन परफॉर्म होता है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स दे देते हैं, देखो एरर हट गई, ये हमारा पूरा डेटा है जिसमें हमारा नेम दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, फोन नंबर दिख रहा है, वेबसाइट दिख रहा है, ठीक है।
तो एक बार कोड को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया था यूज इफेक्ट का यूज क्यों करते हैं, कैसे डेटा फेच हो रहा है, यस सर, ठीक है। सो हमने एक फेक एपीआई ली है जो कि हमें डमी डेटा प्रोवाइड कराती है। हमने क्या किया, एक एपीआई मेथड कॉल की है फेच, ठीक है। उससे हमने क्या किया, डेटा गेट किया है और एक यूजर नाम की स्टेट के अंदर हमने उसे स्टोर करा दिया है जेसन के फॉर्मेट में। देन जैसे ही हमारे पास डेटा आएगा हमारा वो टेबल के फॉर्म में शो होगा। अब उसका कोड कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे, अब सभी को पता है अगर मैं रिएक्ट पे वर्क कर रहा हूँ और अगर मुझे कुछ डेटा शो कराना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर शो कराना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो इटरेशन वाला लूप हो, कर्ली ब्रेसेस लगेंगे। यस सर। ओके सर, ठीक है। यस सर, सो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, उसके अंदर एक मैप लगाया है मैं, ठीक है। डेटा किसके अंदर है, हमारा यूजर्स। अब मैंने यहाँ पे यूजर्स एंड यूजर्स क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है कि मेरा यूजर्स क्या है, ब्लैंक है फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर मेरे पास डेटा रहेगा तभी ये मेरा टेबल रन होगा। अब देखते हैं अगर मैं इसको हटाता हूँ। सो देखो, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप, क्या कह रहा है ये, कि ये अनडिफाइंड प्रॉपर्टीज के ऊपर मैप नहीं लगा सकता। अब अनडिफाइंड क्यों है यहाँ पे यूजर्स, क्योंकि हमारा ये वाला कंटेंट जो है HTML वाला, ये पहले लोड हुआ है और जो हमारा API का रिस्पॉन्स है जो हमें वहां से आ रहा है वेबसाइट से, वो बाद में आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारा ये पहले लोड हो गया है, यूज इफेक्ट तो हमारा चल गया है, ठीक है, बट जो रिस्पॉन्स आना था वो हमें कब आया, थोड़ा लेट आया, जब हमारा HTML का कंटेंट लोड हो गया है। सो जैसे ही हमारे पास अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब हमारे यूजर्स स्टेट के अंदर क्या है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, एम्प्टी है, ठीक है। इसलिए ये हमें एरर दे रहा है कि आपका यूजर्स अनडिफाइंड है, जिसके ऊपर मैप परफॉर्म नहीं होता। मैप परफॉर्म किसी ना किसी डेटा के ऊपर होता है, एरे के ऊपर होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। अगर आपके वेरिएबल के अंदर डेटा नहीं है तो वो आपको एरर थ्रो करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यूजर्स एंड यूजर्स लगाया। इसका सेंस ये रहता है कि जब तक यूजर्स ब्लैंक है तब तक यूजर्स डॉट मैप को रन नहीं करेंगे, जैसे ही हमारे पास डेटा आ जाएगा एट दैट टाइम यूजर्स हमारा रन होगा। ओके सर, ठीक है सर। वहाँ पे यूज स्टेट में जो ब्लैंक किए हैं वहाँ पे अगर मैं बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू डाल देता हूँ तो फिर ये एरर नहीं आएगी, नहीं आएगी, बट आपको एक एरे देना पड़ेगा क्योंकि मैप आपका एरे के ऊपर वर्क करता है। सपोज अगर मैंने एरे दे दिया यहाँ पे 1 name, comma, age, अभी भी एरर आएगी आपकी क्योंकि आपने जो कोड लिखा हुआ है वो देखो। अब अभी मैं यहां से हटाता हूँ, ओके सो ये एरर मेरी चली गई क्योंकि यहाँ पे एरे है मेरे पास। अब इसको हटाऊंगा तो ये मुझे एरर देने लगा, ठीक है। तो अगर आप एक डमी एरर दोगे तो एरर चली जाएगी, बट कुछ टाइम के लिए जाएगी वो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आ रहा है ये स्मॉल अमाउंट में आ रहा है, सिर्फ टाइनी यूजर्स का डेटा आ रहा है, तो ये इसकी जो वर्किंग है बहुत फास्ट है, ठीक है। बट अगर आप इस टाइप का एरर दोगे जो मैंने अभी पहले दिया था, सो अगर ये मैप होगा तो यूजर डॉट नेम कुछ चीज नहीं हो सकती क्योंकि मैंने उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर आपको डमी देना है एरे तो आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, मैप मेथड लगाई जिसकी हेल्प से मैंने डेटा को गेट किया, ठीक है। अब रिटर्न मेरा क्या वर्क करेगा, अब यहाँ पे तो मेरा क्या है, कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। यहाँ पे HTML का कंटेंट क्या लगाया, जो भी मेरा कंटेंट है वो रिटर्न हो
और की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट हो, ठीक है, इसलिए मैंने रिटर्न लगाया। अब मैं अगर यहाँ से रिटर्न हटा दूंगा तो मेरा डेटा मुझे विजिबल नहीं रहेगा, लगाया मैं, क्योंकि आप कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हो मैप के अंदर, ठीक है। आप मैप लगा रहे हो तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी जो कि रिटर्न करेगा एक एचटीएमएल कोड को, और आपका डेटा यहाँ पे शो होने लगेगा। क्लियर है, समझ में आए कैसे हुआ है, ठीक है। तो कोई डाउट है अभी तक? नो सर, अभी कोई डाउट नहीं। नो सर। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखो। व्हाट इज एपीआई, व्हाट इज एक्सियोस इन रिएक्ट, व्हाई वी यूज यूज इफेक्ट इन रिएक्ट, व्हाट इज डिपेंडेंसी एरे इन यूज इफेक्ट, सॉल्व 5 questions of array of objects एक array of object दे ही देता हूँ। सर जहां पे हमने डेटा फेच किया था वहां खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट? हाँ, वहां खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। सो ये मेरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। ये डमी है, बहुत लंबा है, फाइल पूरी फाइल शेयर करनी पड़ेगी। स्क्रॉल कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नहीं नहीं फिर आप कब तक लिखते हुए बैठोगे? मैं डायरेक्ट फाइल शेयर कर दूंगा तो सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा, ठीक है। यस सर। सॉल्व क्वेश्चन ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है ये आपको करना है, और शो टेबल इन वेब पेज यूजिंग जेसन फेक डेटा, ठीक है। आपको टेबल शो करना है, इंटीग्रेट bootstrap in your React application, ठीक है, हो जाएगा ये। ओके सर। यस सर। ठीक है, ये करो, एंड ऑफ द डे तक मुझे सबमिट करो ये। ओके सर। मैं शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में।